तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा घर पे बनाने वाले हैं, जिसका डो भी हम घर पे बनाने वाले हैं। इसके लिए चीज़ भी हमने घर पे बनाया है, साथ में इसका पिज़्ज़ा सॉस भी हम घर पे बनाना सीखेंगे। और ये दो तरह का पिज़्ज़ा मैं आपको बताने वाली हूँ आज, तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए, 1.5 कप के करीब मैंने मैदा ले लिया है। इसके अंदर अभी हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। आज हम यीस्ट का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो 1 छोटा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डाला है। और यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है, तो यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया है। 1 चम्मच के करीब इसके अंदर नमक डालेंगे और 1 चम्मच के करीब मैंने चीनी डाल दी है। तो ये बहुत ही ईजी जो है पिज़्ज़ा डो है, आपको ज़रूर पसंद आएगा और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। इसे मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है। और अब ये 1/4 कप के करीब दही मैंने डाली है। आप चाहें तो खट्टा वाला दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और इसकी सॉफ्ट डो बनानी है हमें। बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं बनानी है, थोड़ी सॉफ्ट सी ही डो बनानी है, चिपचिपी सी। तो ये जो पिज़्ज़ा की रेसिपी है, इसमें मैं 2 पिज़्ज़ा आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये चिपचिपी सी डो है, ये देखिए। और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, रेस्ट करने के लिए। चलिए, तब तक हम जो पिज़्ज़ा सॉस है वो बना लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, आज हम 2 फ्लेवर के पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको सॉस बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है, 2 चम्मच के करीब बटर डाल दिया है। और इसके बाद इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब बेसन। तो ये जो बेसन है, इसको बिल्कुल हमें धीमी आंच पे हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल बस मैंने मिक्स किया है, इतना ही देर भूनना है। 5 से 10 सेकेंड के लिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है धीमी आंच पे। और यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ लहसुन काट के रखी है, थोड़ी सी मिर्च ली है, शिमला मिर्च ली है, और थोड़े से प्याज लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने लहसुन डाल दी है, 2 चम्मच के करीब लहसुन है, मैंने इसको बारीक काट लिया था। इसके बाद ये शिमला मिर्च और प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो इनको हम थोड़ी सी देर के लिए भून लेंगे। ये जो पिज़्ज़ा सॉस है ना, बहुत टेस्टी है, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसके अंदर थोड़े से मैंने ऑरिगेनो डाले हैं 1/2 चम्मच के करीब, और इसके बाद चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये फ्लेवर इन्हेंस करती हैं हमारे पिज़्ज़ा का। इसके बाद ये पिज़्ज़ा पास्ता स्प्रिंकलर्स होते हैं, वो डाले हैं 1/2 चम्मच के करीब। ये सीजनिंग में मदद करता है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये डाल दिया है मैंने। इसके बाद 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं और इंडियन लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो इसलिए मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 टमाटर पीस के रखे थे, छोटे साइज़ के टमाटर हैं, 5 से 6 पीस के रखे थे, वो डाल दिए हैं। इसके अंदर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और इसको हम थोड़ी सी देर पका लेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए, हल्का सा ये गाढ़ा हो गया है, क्योंकि इसके अंदर बेसन था तो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है, इसको बड़े बड़े इसी देखिए चौकोर पीसेस में काट लिया है। अब इसके साथ भी 2-3 मिनट पका लेंगे। पनीर की जगह आप चाहें तो सिंपल ऐसा सॉस भी बना सकते हैं, पनीर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं 2 अलग अलग फ्लेवर वाले पिज़्ज़ा बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने पनीर डाला है। और इसके बाद चलिए अब चीज़ बनाना सीखते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आपके पास लॉकडाउन में चीज़ नहीं है तो आप चीज़ भी घर पे बना सकते हो। तो इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैंने तेल डाल दिया है, 2 से 3 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने बटर डाला है, और इसके अंदर 2 चम्मच के करीब मैदा डाल देंगे हम। तो ये जो चीज़ सॉस है ना, ये इसके अंदर बिना चीज़ के ही आपको चीज़ जैसा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो ये जो है, इसको हम मैदे को बिल्कुल धीमी आँच पर सेकेंगे थोड़ी सी देर के लिए, 1 मिनट के लिए बस मैंने सेका है बिल्कुल। और इसके अंदर देखिए, 1 चम्मच के करीब लहसुन मैंने डाला है बारीक कद्दूकस किया हुआ, और इसको भी थोड़ा सा मिक्स करके सेक लेंगे। इसके बाद इसके अंदर दूध डाल रही हूँ मैं, ये फुल क्रीम दूध है, तो मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब डाल दिया है, और इसके बाद 1/2 कप के करीब और डाला है, तो 1.5 कप के करीब इसके अंदर दूध डाला है। और अब इसको धीमी आंच पे हम पकाएंगे, और ये फटाफट से जो है थिक हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा, और इसका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल चीज़ जैसा आता है, बिलीव मी। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, वैसे कम्प्लीटली ऑप्शनल है, चीज़ हो तो सबसे बेस्ट तो वही लगता है, लेकिन अभी लॉकडाउन में मैंने खुद ये चीज़ फील की कि अगर आपके पास चीज़ नहीं है और पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है तो क्या करें, तो मुझे ये सबसे अच्छा ऑप्शन लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। और ये बहुत ही क्रीमी और थिक हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, गैस मैंने बंद कर दी है। अब इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार, और इसको मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा क्रीमी चीज़ी सॉस बनके तैयार है पिज़्ज़ा पे डालने के लिए। ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको हम साइड में रख देते हैं।
और ये देखिए हमारी डो बनके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार है। आप देख सकते हो इसमें बबल्स आ गए हैं, ये देखिए फूल सी गई है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं सूखा मैदा और डालूंगी और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा दबा दबा के इसको जो है प्रेस नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है हमको इस पिज़्ज़ा में। तो इसके बाद देखिए इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं इस पिज़्ज़ा को। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन लिया है, इसके अंदर हम जैसे ढक्कन वाला होता है काफ़ी सारे लोगों के पास, या फिर आपके पास तवा हो इस तरीके का तो फ्लैट तवा लिया है। और तो मैं आपको दोनों तीनों चीज़ों में बनाना बताऊँगी, मतलब मैं फ्राइंग पैन में भी बता रही हूँ, मैं तवे में भी बता रही हूँ, और मैं ओवन में कैसे बनाएं इसको वो भी बता रही हूँ। तो डोंट वरी, आपके पास इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो तो उस पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इसको फैलाना शुरू कर दिया है, हाथ से ही फैला रही हूँ, हमें बेलना नहीं है इसको। देखिए हाथ से फैला के इतना बड़ा कर लिया है और पतला ही रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें इसकी पिज़्ज़ा की डो को, रोटी को। और इसके बाद ये ठंडा किया हुआ सॉस डालना है, याद रखिए ये जो सॉस है ये पनीर वाला, ये ठंडा हो जाना चाहिए। अगर आप इसमें पनीर नहीं डाल रहे हो तो भी चलेगा। और इसके बाद ये देखिए मैं इसके ऊपर ये चीज़ डाल रही हूँ जो कि होममेड है, और टेस्ट बहुत बिल्कुल चीज़ जैसा आता है, डोंट वरी, बहुत ही टेस्टी ये पिज़्ज़ा बनने वाला है। तो ये मैंने चीज़ भी डाल दी है इसके ऊपर, और इसके बाद आप चाहें तो इसको ऐसे ही बेक कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी वेजिटेबल्स थी मेरे पास तो मैंने यहाँ शिमला मिर्च लंबी लंबी काट के डाल दी है, थोड़े से प्याज डाल दिए हैं, थोड़े से यहाँ पे मेरे पास ये स्वीट कॉर्न्स पड़े थे, आपके पास मशरूम हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये पिज़्ज़ा लगभग कंप्लीट है। अब इसको ढक देंगे हम, इसका जो इसका खुद का लिड होता है वो मेरे पास पड़ा है, तो इसको ढक देंगे और बिल्कुल धीमी आँच पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएँगे। कभी कभी जल्दी भी पक जाता है अगर आपका बड़ा बर्नर है तो। तो चलिए जब तक वो पक रहा है मैं तवे पे भी बनाना बता देती हूँ, वही सेम मेथड है, बस आपका तवा जो है फ्लैट होना चाहिए, कभी भी गोल जो डीप में बीच में गोल होता है उस पे भी आप बना सकते हो, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि बीच में से जल्दी सिक जाएगा और चारों तरफ से थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो तवा है वो फ्लैट हो, या फ्राइंग पैन हो वो फ्लैट हो, कढ़ाई या तवा मत लीजिए जो बीच में से थोड़े से ढलान वाले होते हैं। तो ये देखिए ऐसे फैला दिया है, पतला ही फैलाया है। इसके बाद ये सॉस लगा देंगे, और मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, आपको थोड़ा कम लगाना है तो कम भी लगा सकते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सॉस स्पाइसी लगता है खाने में पिज़्ज़ा। तो ये देखिए अभी मैं आपको दूसरे टाइप का पिज़्ज़ा बता रही हूँ। तो ये जो पहला वाला पिज़्ज़ा था ये तो नॉर्मल पिज़्ज़ा फ्लेवर वाला था, इसको हम तंदूरी पनीर टिक्का फ्लेवर देने वाले हैं, और एक ही सेम पिज़्ज़ा सॉस से हम दो अलग अलग फ्लेवर के पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स और चीज़ भी डाल दी है। अब इसके बाद आता है ट्विस्ट। तो यहाँ पे हम मैं डालने वाली हूँ इसके ऊपर तंदूरी मसाला, ये वेजिटेरियन है, ये देखिए ग्रीन डॉट है इसके ऊपर। तो ये तंदूरी मसाला जो है मैं पनीर टिक्का में यूज़ करती हूँ, और ये इसके ऊपर 2 चुटकी के करीब मैं डालने वाली हूँ, और इसके बाद इसके साथ हम बेक करेंगे इसको। तो ये जो है इससे फ्लेवर इसका जो है पनीर टिक्का वाला फ्लेवर आ जाएगा इसमें, और बिलीव मी ये दोनों ही फ्लेवर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है, एक बार देखिए चेक कर लेते हैं, नीचे से बहुत ही क्रिस्पी स्किन होनी चाहिए, तो थोड़ा सा कसर बाकी है, मैं इसको 2 से 3 मिनट और छोड़ देती हूँ। और ये देखिए ये हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है, इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। इसके ऊपर मैंने थोड़े से जो है चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग और डाल दी है, इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा शानदार, सारी चीज़ें घर में बनी हुई हैं, किसी को विश्वास ही नहीं होगा। ये देखिए इसका बेस कितना क्रिस्पी और कुरकुरा है, और बिल्कुल मार्केट स्टाइल का ये बेस बनता है। तो ये जो पिज़्ज़ा है बहुत ही टेस्टी है, ये दूसरा पिज़्ज़ा भी मैंने अब रख दिया है बनने के लिए। ये दोनों ही रेसिपियाँ बहुत ही टेस्टी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये ओवन ट्रे है, इसके अंदर भी मैंने सेम मेथड से पिज़्ज़ा डाल दिया है, और उसको भी मैं बेक करने रख देती हूँ, 10 से 15 मिनट ही ओवन में भी लगेंगे। और ये देखिए ये हमारा तब तक तंदूरी पनीर टिक्का फ्लेवर वाला हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिलीव मी एक बार ये वाला स्टाइल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।